क्या लगता है आपको कि भाजपा क्या सोच रही है? 4 साल बीत गए हैं, अभी तक नहीं कुछ कोई कानून नहीं ला पाए हैं। नहीं देखिए, ये रूप 4 साल का नहीं है, 49 का है। लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, नहीं, पूर्ण बहुमत अलग बात है, 49 का मामला है। देश के अंदर बहुत सारे स्थान है जिनको मुक्त कराना है। अगर इसमें विलंब हुआ तो हमको काशी जाना पड़ेगा, फिर मथुरा जाना पड़ेगा, दिल्ली के अंदर जो जामा मस्जिद है वो जमुना देवी का मंदिर है, फिर वहां हमको जाना पड़ेगा, सब जगह जाना पड़ेगा। देश के अंदर बहुत सारे स्थान है, तो यहां हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। राम की जन्मभूमि पे राम की पूजा हो रही है, हम चाहते हैं भव्य दिव्य बने, उनकी सुरक्षा में बहुत सारे नौजवान लगे हैं, पुलिस के जवान लगे हैं, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो जा रहा है दर्शन करने, वो मन के अंदर एक पीड़ा लेकर आ रहा है, उसको लगता है भगवान राम इस दुर्दशा में है, टेंट में रह रहे हैं, उनका भी भव्य स्मारक बनना चाहिए, भव्य दिव्य बनना चाहिए, उसके लिए तो कहने के लोगों में गुस्सा और उबाल है, है पूरा है। हाँ, क्या भाजपा सोच क्या रही है, क्या मोदी जी सोच रहे हैं? नहीं नहीं, क्या सोच रही है भाजपा के किसी नेता से हमारी बात नहीं सबसे में हुई है। हाँ। और कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि आप भी आंदोलन में बहुत सक्रिय रहे हैं। नहीं, तो रहे नहीं है, हम हैं, ये आप लोग मीडिया वालों को पता नहीं क्या हो गया। हाँ, अरे भैया हम हैं, हमारा मूल काम है राम जन्मभूमि की, आंदोलन की शुरुआत मैंने की है, भरी बारिश में की है शुरुआत हमने की, 1983 में से शुरू की, संघर्ष आपका बहुत लंबा रहा है, 1983 से शुरू किया था आंदोलन, परमहंस रामचंद्र दास जिसने, वो तो मुख्यमुद्दई थे इधर के हिंदू पक्ष के, उन्होंने शुरू किया, सारे लोग मिल करके इसको शुरू कराए, बड़ा भारी हुआ है संघर्ष, अभी और हो जरूरत है। पीएम मोदी से या अमित शाह जी से कभी आपकी चर्चा हुई आज सरकार बनने के बाद? नहीं नहीं, अब देश भर में सब सभाएं हो रही, 25 को दिल्ली में सभा हो रही, बेंगलोर में सभा हो रही, अयोध्या में सभा हो रही, अन्य तारीखों में, अन्य जगह, अन्य प्रांतों में होगी, देश भर में होंगी, सब कह रहे हैं अध्यादेश लाओ, अध्यादेश अगर अदालत खारिज कर देती तो देखा जाएगा। हम मान रहे हैं कांग्रेस इस काम में पूरी तरह से बाधक है और प्रारंभ से उसका दोहरा चरित्र रहा है, कांग्रेस का दोहरा चरित्र रहा है, अब वो इस प्रकार का काम कर रही है, उसका बस चले तो अदालत के अंदर जो केस है उसको ही न सुनने दे। अच्छा, अभी 2-4 दिनों से बहुत ज्यादा बातें आ रही कि कांग्रेस बाधक है कांग्रेस, लेकिन 2014 की पूर्ण बहुमत की सरकार, फिर राज्यसभा, पूर्ण बहुमत नहीं है, कानून पास हुआ, ऐसा नहीं है, हमारा राज्यसभा में बहुमत नहीं है, कांग्रेस ने तो SC ST पे समर्थन किया था ना, तब हुआ है, अध्यादेश लाना चाहिए सरकार को और साफ सामने रखने पटल पर, वो देखा जाएगा, कांग्रेस विरोध करती है तो ज्यादा बेहतर, तभी तो पार्टी को, अब वो देखा जाएगा, यही तो कहा है सब, कौन कितने उसमें कपड़े पहने हुए दिखाई देंगे, कितने नंगे दिखाई देंगे, ये सब होगा ना। आप उद्धव ठाकरे जी के साथ में शिवसेना प्रमुख जो आ रहे हैं? नहीं, उनका अपना कार्यक्रम है, वो राजनीतिक है उसमें, हम तो गैर राजनीतिक आदमी है, भले सांसद रहते हैं वो अलग बात है, लेकिन हम तो गैर राजनीतिक आदमी, हम तो मंदिर आंदोलन वाले नेता हैं।